So today we are seeing internal security, antarik suraksha. In this topic we will see first the introduction part. National security could be understood as the ability of a nation to protect the survival or the existence of the nation or the welfare of its people from multitude threats. राष्ट्रीय सुरक्षा को इस तरह से समझा जा सकता है कि किसी राष्ट्र की योग्यता जिसमें वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा और अपने अस्तित्व को बनाए रखने और वहाँ पर रह रहे लोगों के कल्याण करते हुए बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के खतरों से बचाए रखता है. दिस threats endanger geographical, economic, political and socio-cultural interest of a nation. कुछ ऐसे खतरे हैं किसी भी राष्ट्र के लिए जैसे कि भौगोलिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, उसकी संस्कृति को खतरा हो सकता है किसी भी राष्ट्र के लिए. Further, security of a nation is not restricted to only protecting territorial boundaries. जो सुरक्षा है किसी भी राष्ट्र की वो उस राष्ट्र की सरहदों को बचाने तक सीमित नहीं है, बट ऑल्सो एंश्योरिंग पीसफुल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टेक्निकल साउंड एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी विथ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. लेकिन राष्ट्र में शांति बनी रहे, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो और जो वहाँ का समाज है वो तकनीकी रूप से एक प्रगतिशील समाज के रूप में एक अच्छा जीवन, लोगों के अच्छे जीवन से भी संबंधित है. नेशनल सिक्योरिटी कुड बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी. तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, एक है आंतरिक सुरक्षा और एक है बाह्य सुरक्षा. तो वाइल एक्सटर्नल सिक्योरिटी डील्स विथ एक्सटर्नल एग्रेशन बाय अ फॉरेन कंट्री, तो जो बाह्य सुरक्षा है वो विदेशी राष्ट्रों से हमें खतरा हो सकता है उसका सामना एक्सटर्नल सिक्योरिटी करती है. इंटरनल सिक्योरिटी ऑन द अदर हैंड इज मोर डायनामिक एज इट डील्स विद थ्रेट्स फ्रॉम बोथ स्टेट एंड वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स. और जो आंतरिक सुरक्षा है वो बहुत ही वाइटल या चेंजिंग पोजिशन में है क्योंकि उसे जो है उसका सामना करना पड़ता है वो उस राष्ट्र के राज्य से और गैर राज्य अभिकर्ताओं से भी करना पड़ता है. वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जो कि एक आर्म ग्रुप होता है और इंडिविजुअल्स डेट आर होली और पार्टली इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड विच थ्रेटन्स और यूज वायलेंस टू अचीव देयर गोल्स, जैसे कि नक्सलवाद या आतंकवाद भी कह सकते हैं. इन एडिशन नेचुरल कैलमिटीज डेट एंडेंजर्स नेशनल इंटरेस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक अहम हिस्सा है. इंडियन कॉन्टेक्स्ट सेशनिस्ट मूवमेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट, टेररिस्ट अटैक्स बाय फॉरेन एंड होम ग्राउंड टेररिस्ट, इन्फिल्ट्रेशन, illegal migration and trafficking of arms and narcotics breaching the country's international borders are amongst the most significant challenges to Indian internal security. अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जो सेशनिस्ट मूवमेंट्स है, मीन्स जो अलगाववादी आंदोलन या गतिविधियां है उत्तर पूर्वी भाग में और जो जम्मू कश्मीर में, और जो वामपंथी उग्रवादी गतिविधियां हैं, आतंकवाद बाहर के विदेशी देशों से जो हमारे देश पर होता है, और जो देश के अंदर ही जो आतंकवाद फैलाते हैं और जो घुसपैठ करते हैं देश में सरहदों पर, और जो अवैध प्रवासी होते हैं जो बाहरी देशों से अंदर इल्लीगली माइग्रेट हो जाते हैं, और जो हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, ये हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सरहदें हैं देश की, उनको पार कर हमारे देश में जो है भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक खतरा है. मोर ओवर, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इज ऑल्सो अ सेलियंट फीचर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. इसके अलावा जो कानून व्यवस्था को लागू करना है देश में ठीक तरीके से, तो वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है आंतरिक सुरक्षा की.
Thus, it could be said that internal security is one aspect which is perhaps of even greater importance than external security. इसलिए इसमें यह भी कहा जा सकता है कि जो आंतरिक सुरक्षा है वो बाह्य सुरक्षा से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है. This is primarily because in contemporary times, de-establishing a nation is easier by creating an internal security crisis rather than by engineering an external invasion. ये मुख्य तौर पे इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी जो समकालीन समय है, जो मॉडर्न समय है, इसमें किसी भी राष्ट्र को आपको अस्थिर करना है तो उसकी अगर आंतरिक जो सुरक्षा है अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई या वो अस्थिर हो गई या उसने काम करना बंद कर दिया, भले ही बाह्य रूप से उसकी सुरक्षा मजबूत हो तो भी जो राष्ट्र है वो आंतरिक सुरक्षा तहस नहस होने के बाद वो अस्थिर हो सकता है पूरा राष्ट्र. देयरफॉर इंटरनल सिक्योरिटी हैज़ टू बी केयरफुली टेकन केयर ऑन ऑल फ्रंट्स, वेदर इट इज़ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, साइबर टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट एनी कॉस्ट. इसलिए जो आंतरिक सुरक्षा है उस महत्वपूर्ण और उसको बहुत तरीके से हर तरफ से उसे ध्यान रखा जाता है बहुत ही, क्योंकि वो चाहे हमारे देश की सरहदों से आतंकवाद आने से संबंधित हो या आधुनिक तकनीकी के द्वारा जो साइबर आतंकवाद हो या संगठित अपराध हो, इन सभी को अनदेखा नहीं किया जा सकता अगर आंतरिक सुरक्षा की बात की जा रही है. मीनिंग एंड स्कोप. इंटरनल सिक्योरिटी इज़ अ वेरी ब्रॉड थीम विच कैन कवर एवरीथिंग विच थ्रेट्स टू अफेक्ट द लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री. आंतरिक सुरक्षा जो है वो एक व्यापक, एक बड़ा विषय है जिसके अंदर सारे विषय आते हैं जो कि खतरा हो सकते हैं देश के नागरिकों की जीवन और उनकी संपत्ति से. इट कुड रेंज फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स टू एस्पेक्ट लाइक एनवायरमेंटल सिक्योरिटी टू एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी. इन थ्रेट्स में, इन खतरों में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक कानून व्यवस्था की समस्या से लेके जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित या फिर ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित या फिर आर्थिक रूप से सुरक्षा के लिए भी संबंधित हो सकता है. द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द नोडल एजेंसी विच हैंडल्स द मैटर्स रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी. जो गृह मंत्रालय है वो भारत सरकार की सबसे प्रमुख या क्या केंद्रीय संस्था हम या शाखा कह सकते हैं जो कि इन सारे मुद्दों को, जो कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विषयों को हैंडल करती है. द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंटिन्यूसली मॉनिटर्स द इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन इश्यूज, appropriate advisory, shares intelligence inputs, extend manpower, financial support, guidance and expertise to the state government for maintenance of security, peace and harmony without encroaching upon the constitutional rights of the state. तो जो हमारे देश का गृह मंत्रालय है वो निरंतर आंतरिक सुरक्षा की गतिविधियों के ऊपर हमेशा ध्यान रखता है और समय पड़ने पर इम्पोर्टेंट या उपयुक्त अनाउंसमेंट या नोटिस भी जारी करता है और राज्यों के साथ में खुफिया सूचना या जानकारी भी शेयर करता है. उस आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए कई मानव बल का भी उपयोग किया जाता है और गृह मंत्रालय जो है वो वित्तीय मदद भी देता है राज्यों की आंतरिक सुरक्षा या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और उचित मार्गदर्शन भी करता है और सारी वो सहायता प्रोवाइड करता है राज्य सरकारों को जिससे वो अपने राज्य में सुरक्षा, शांति और समानता का तालमेल बनाए रख सके बिना किसी राज्य के संवैधानिक अधिकारों का हनन किए. द मेन एरियाज विच आर सुपरवाइज्ड बाय द MHA आर एज फॉलोज. तो जो मुख्य कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर मंत्रालय का अहम किरदार होता है, जैसे टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन इश्यूज, आतंकवाद एवं कट्टरपंथ विरोधी मुद्दे. अ लार्ज पोर्शन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अफेक्टेड बाय द टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी. भारत का अधिकांश जो भाग है वो आतंकवाद एवं विद्रोही रिबेलियन से प्रभावित है. इस
includes particularly the areas of UT of the Union Territories of J&K and that of the Northern Eastern States. केंद्रीय शासित क्षेत्र जिनमें जम्मू कश्मीर के एरिया से और कुछ उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं. देयर इज होल गैमेट ऑफ इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन द मैटर विच इंक्लूड्स डिवाइजिंग द रिस्पांस ऑफ द गवर्नमेंट टू द वेरियस क्राइसिस सिचुएशन क्रॉपिंग अप टाइम एंड अगेन. तो ऐसे बहुत सारे पहलू है जिनमें जो इन मुद्दों में आते हैं जिस गवर्नमेंट को जो है कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट को जो ऐसे संकट के काल में ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिससे कुछ रिजल्ट निकल कर आए. ऐसी सिचुएशन जब एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो फिर वहाँ पर जो सैन्य हमारी जो सैन्य ताकत का हमारी सैन्य फौज का फिर मेन रोल वहाँ पर जो है बहुत ही मुख्य किरदार निभाना होता है. तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो समर्पित इकाई होती है गृह मंत्रालय की उसे ही जिम्मा दिया जाता है कि आप इस सिचुएशन को इन क्षेत्रों में कंट्रोल करें जैसे कि अफस्पा लगाकर जिसमें सैन्य शासन को जिसमें मिलिट्री रूल अप्लाई किया कर दिया जाता है. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वामपंथी उग्रवाद. द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वॉज नेम्ड एज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री बाय एक्स पी एम मनमोहन सिंह. तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी उन्होंने कहा था कि जो वामपंथी उग्रवादी है वही एक अकेला ही एक इतना बड़ा खतरा है हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है. इंडीड द एक्सटेंट ऑफ पेनेट्रेशन विच द LWE आइडियोलॉजी हैज़ इन द कंट्री. जो वामपंथी उग्रवादी जो सोच है वो देश के अंदर तक घर कर गई है. एंड द एक्सटेंसिव प्रेजेंस विच द नक्सल्स इंजॉय थ्रू आउट द रीजन ऑफ द रेड कॉरिडोर इज रियली अ कॉज फॉर कंसर्न. तो ऐसी सिचुएशन में जो नक्सलवादी लोग हैं जो उन्होंने जो है देश के अंदर में लाल गलियारा देश के अंदर कई राज्यों में पना लिए हैं. देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कर्व द मिलिट्री कैपेसिटी ऑफ द नक्सल्स. तो समय की ज़रूरत यह है कि जल्द से जल्द जो है नक्सलवादी जो पीपल है उनकी सैन्य ताकत को कम किया उनकी सैन्य ताकत को ख़त्म किया जाए. टू फोर्स देम टू कम फॉर अ मीनिंगफुल डायलॉग विद द गवर्नमेंट और किसी भी तरह से गवर्नमेंट के साथ में बातचीत का रास्ता निकाला जाए. मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिलेटेड इश्यूज. कानून व्यवस्था को बनाए रखना और संगठित अपराध से संबंधित मुद्दे. पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर स्टेट सब्जेक्ट्स. पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो एक राज्य का विषय है. हाउएवर द MHA हैज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट्स टू गिव मोर फोकस्ड अटेंशन टू इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विद अ व्यू टू एंश्योर इफेक्टिव प्रिवेंशन. जो गृह मंत्रालय है वो राज्य सरकारों को ये सूचना देता रहता है कि ये निर्देश देता रहता है कि आपराधिक न्यायिक व्यवस्था के प्रशासनिक ढांचे को निरंतर इम्प्रूव करते रहे जिससे जो कोई भी खतरा है उसे हम भी कोई खतरा है उससे हम पहले ही एक्शन ले सकें. एंड कंट्रोल ऑफ ऑल क्राइम्स विथ इम्फेसिस ऑन मिटिगेशन क्राइम अगेंस्ट द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सच एज SC/ST वुमेन्स चिल्ड्रंस एंड ओल्डर पर्सन्स. ताकि हम सभी अपराधों को नियंत्रण कर सके और जो संवेदनशील वर्ग हमारे समाज के जैसे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाएं बच्चे और जो बूढ़े व्यक्ति है वृद्ध व्यक्ति है उनकी अपराध के प्रति जो गंभीरता को है उसको कम किया जा सके. दो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस इज अ स्टेट सब्जेक्ट. वैसे देखा जाए तो कानून व्यवस्था का जो नियंत्रण है वो राज्य सरकार का ही विषय है. येट इन द कंटेम्प्रेरी एटमोसफियर लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट समथिंग विच कैन बी मैनेज्ड इन आइसोलेशन बाय द स्टेट. लेकिन अभी के जो समकालीन वातावरण में जो कानून व्यवस्था है वो अकेले सिर्फ राज्य ही संभाल लेगा या उसका नियंत्रण कर लेगा ऐसा जरूरी नहीं है. देयर आर इशूज लाइक ऑर्गेनाइज क्राइम कम्युनलिज्म नक्सलिज्म एंड द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड डोमेस्टिक NGOs इन सपोर्टिंग
and funding the perpetrators of these crimes which have interstate dimensions cannot be effectively tackled without the involvement of the center. तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनमें जो संगठित अपराध है, सांप्रदायिकतावाद है, नक्सलवाद है और जो गैर राज्य अभिकर्ताओं का किरदार है, जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां या संस्थाएं और जो घरेलू गैर सरकारी संगठन है जिनका प्रोत्साहन और फंडिंग होता है दोषी व्यक्तियों के द्वारा किए गए अपराधों में, जिसमें जो अंतर्राज्यीय पैमाना है उसे बिना केंद्रीय सरकार के मदद के उसका सामना सटीक रूप से नहीं किया जा सकता. सेंटर विच ब्रिंग्स इन नेसेसरी इंटेलिजेंस इनपुट्स एंड द स्किल एंड एक्सपर्टीज टू डील विद सच एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम विच आर मच मोर देन मेयरली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बट हैव टू बी टैकल्ड बाय द पुलिस मशीनरी. तो जो केंद्र सरकार है, जो कोई भी खुफिया जानकारी हो गई या फिर जो कुछ कौशल या फिर तकनीकी रूप से जो भी मदद है इन अपराधों को रोकने के लिए, तो ये जो सिचुएशन है वो कानून व्यवस्था से कुछ बढ़कर होती है, जिसे आखिरकार वहाँ की पुलिस व्यवस्था होती है उन्हीं के द्वारा ही वो सिचुएशन को हैंडल करना होता है. Since it is primarily the police which have to deal with such action, this topic also has the aspect of police reform built in it. शुरुआती रूप से ये पुलिस को ही सबसे पहले डील करना होता है ऐसे तत्वों को जो कि समाज के लिए खतरा होते हैं, जिसमें इसी मुद्दे में जो है पुलिस रिफॉर्म यानी कि पुलिस सुधार भी एक मुद्दा है, जिसका एम है टू ट्रांसफॉर्म द वैल्यूज कल्चर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ द लॉ. नेक्स्ट बॉर्डर मैनेजमेंट मीन्स सीमाओं का प्रबंधन. प्रोटेक्टिंग द लैंड एंड सी बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम एलिमेंट्स हैविंग इंटरेस्ट होस्टाइल टू द कंट्री वाइल मेंटेनिंग स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स as well as taking initiatives for the development of the border areas. So, देश की जो ज़मीन है और जो समुद्री सीमाएं हैं उनकी रक्षा जो कि विदेशी देश है या जो शत्रु देश है उनसे बचा कर रखना, जिसमें साथ में देश का दूसरे देशों से जिसमें जो व्यापार और वाणिज्य है उसमें रुकावट ना आए, वो निरंतर चलता रहे और जिसके साथ साथ जो सीमांत क्षेत्र है उनका भी विकास किया जा सके. बोथ टू स्ट्रेंथन द बॉर्डर सिक्योरिटी एज वेल एज क्रिएटिंग एन एटमोसफेयर ऑफ पीस एंड गुडविल. हमारी सीमा सुरक्षा है उसे मजबूत किया जा सके और एक ऐसा वातावरण बनाया जा सके जो एक शांति एवं सद्भावना या मित्र भाव का वातावरण बनाया जा सके. Is the responsibility entrusted to the border management division of the MHA. इसकी भी जिम्मेदारी जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है. एक सीमा प्रबंधन इकाई होती है खास उसके लिए. साइबर क्राइम एंड साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. तो जो साइबर अपराध है और जो साइबर सूचना सुरक्षा है, विद द इंक्रीज्ड पेनेट्रेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन अवर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट system, the need to protect data and our information system have acquired utmost importance. जिस तरह से हमारे जीवन में जो computers और जो internet का जो use है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो उससे क्या है एक information सूचना प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है और जो सूचना प्रबंधन है वो उसके लिए बहुत जरूरी है, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. The contemporary age when it is becoming more and more difficult to challenge the power of the state through conventional warfare and militant activities, cyber terrorism is necessarily being used by such hostile elements to make a statement and wreak extensive damage without compromising lives and using ammunition. In समकालीन समय में ये मुश्किल होते जा रहा है किसी राष्ट्र की शक्ति को चैलेंज करना, जिसमें कि पारंपरिक युद्ध है, फिर सैन्य गतिविधियां हैं, साइबर आतंकवाद है, तो इनका जो प्रयोग है वो बढ़ता ही जा रहा है जो शत्रु देशों के द्वारा.
ये दिखाने के लिए कि हम आपके देश को कितना भी मतलब खतरा पहुंचा सकते हैं, एक फियर का माहौल भी बनाते हैं उसके कारण। तो इनका सामना करना होता है बिना अपने पीपल के जीवन को जोखिम में रख के और ढेर सारा गोला बारूद यूज़ किए बिना हमें इसका सामना करना होता है। देयरफॉर देयर इज़ अ नीड फॉर अ डेडिकेटेड डिवीजन इन द MHA टू एड्रेस दिस एस्पेक्ट ऑफ इंटर सिक्योरिटी। तो ज़रूरत ही इस बात की है कि गृह मंत्रालय ऐसी एक समर्पित इकाई हो जो आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को नियंत्रण में रख सके। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर्स बोथ मैनमेड ड्रोथ एपिडेमिक्स एज वेल एज नेचुरल अर्थक्वेक्स सुनामीज हैव कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आपदाएं जो है वो मानव के द्वारा हो, जैसे कि सूखा पड़ना या कोई बीमारी का फैल जाना, और उसके साथ में जैसे कि प्राकृतिक जो आपदाएं है, जैसे कि भूकंप है, सुनामी है, जिसने कि जो एक बहुत ही विनाशकारी खतरा है मानव जाति के जीवन और उसकी संपत्ति के लिए, एंड आर देयर फोर सीन एज पोटेंट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। ये बहुत ही घातक एक खतरा है हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए। इनफैक्ट द डैमेज कॉज्ड बाय सम ऑफ द डिजास्टर्स लाइक द 2004 सुनामी वॉज सो सीवियर डेट इट स्टिल इवोक्स हॉरर इन द मिरर ऑफ द पीपल। जो नुकसान सुनामी जो कि 2004 में आई थी, उस आपदा के कारण जो हुआ है वो इतना विनाशकारी था कि आज भी जो लोग हैं उनकी यादों में आज भी भयानक मंजर से वो डरे हुए हैं। दिस हैज़ बिकम पर्टिकुलरली मोर इम्पॉर्टेंट इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल कंसर्न वेयर इन द डेंजर ऑफ सच डिजास्टर इज बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोनाउंस्ड। ये बहुत ही जरूरी हो गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है एक नज़र से, जिसमें वैश्विक रूप से जो पर्यावरण के संबंधित जो कुछ भी खतरे हम देख रहे हैं, जो इन आपदाओं के कारण आ सकते हैं, जो अजम्पशन करके रखा है कि हाँ ऐसे ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए यह चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। देयर फॉर द नीड टू कंस्टिट्यूट अ सिस्टमेटिक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान वॉज रियलाइज्ड विच कुड कैटर टू द नीड्स ऑफ फ्रेमिंग डिजास्टर पॉलिसी, डिजास्टर रिस्पॉन्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। तो ज़रूरत अभी इस बात की है कि कैसे एक संगठित और एक व्यवस्थित आपदा प्रबंधन व्यवस्था को बनाया जा सके जो कि आवश्यकताओं का ध्यान रखे, एक ऑर्गेनाइजिंग आपदा नीति को बनाने में जिसमें आपदा प्रतिक्रिया हो और जिसमें क्षमता निर्माण हो और जिसमें रोकथाम हो, जिसमें शांति बनाए रखने का या न्यूनीकरण का मुद्दा हो और जिसमें लंबे समय का पुनर्वसन की व्यवस्था हो। दस अ सेपरेट डिवीजन वॉज सेटअप इन द MHA फॉर दिस मैटर। इसलिए इस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसके लिए एक अलग से जो है एक इकाई रखी गई है, फॉरेन इमिग्रेशन, विदेशी अप्रवासी, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स विच आर आइदर होस्टाइल इन टू द कंट्री और हैव द कैपेसिटी टू क्रिएट द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। जो इलीगली हमारे देश में अंदर आ जाते हैं, उनका इरादा हो सकता है यहाँ पर आतंकवाद फैलाना हो या तस्करी से संबंधित हो, और हो सकता है कि उनका वो इतने सक्षम हो कि हमारे देश में जो मौलिक जो मूलभूत या मौलिक जो समस्याएं हैं उनको वो उनका निर्माण करने लगे, जो कि हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है, जैसे कि रोहिंग्या पीपल, बांग्लादेशी पीपल्स एंड पाकिस्तान पीपल, पाकिस्तानी पीपल्स। देयर इज़ अ नीड टू डिवाइज एंड इम्प्लीमेंट अ डेफिनेट इमिग्रेशन पॉलिसी। तो इस वक्त देश को ज़रूरत है एक एक सटीक, सुदृढ़ अप्रवासी नीति की। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इशू कैन बी रियलाइज वेन वी लुक इन टू द प्रॉब्लम्स लाइक द इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशीज इन टू द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स और फॉर दैट मैटर ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार इन टू द इंडियन टेरिटरी। यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम देखें जो समस्या है
जो बांग्लादेशी पीपल जो उत्तर पूर्वी राज्यों में आ गए, वहाँ का डेमोग्राफिक उन्होंने चेंज कर दिया है। वहाँ जो स्थानीय जो आसाम के जो पीपल है या और भी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, उनका डेमोग्राफी चेंज हो गया है। जी जो म्यांमार से जो रोंगिया रिफ्यूजीज आए हैं, नकली आधार कार्ड और नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर भारत के जो आम नागरिक की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर कब्जा कर लिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर इज ऑलवेज अ कंसर्न रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट ऑपरेटर्स एंड मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइज क्राइम रैकेट इन एंड आउट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। इसके अलावा अगर देखें तो जो गतिविधियां हैं आतंकवादी सरगनाओं की और जो उससे संबंधित जो लोग हैं, जैसे स्लीपर सेल्स हो गए जी, जो कि संगठित अपराध में हिस्सेदार है देश के अंदर और देश के बाहर, विच हैज़ द कैपेसिटी ऑफ कॉजिंग सीरियस डैमेज टू द इंटरनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इन द कंट्री। तो वो चाहे तो कभी भी अपने ऑर्गेनाइज्ड उस संगठित अपराध के अंतर्गत वो कभी भी इस देश की आंतरिक सुरक्षा को तहस नहस कर सकते हैं, इतने वो सक्षम हैं। देयर फॉर देयर हैज़ टू बी डेडिकेटेड डिवीजन विद इन द MHA टू मॉनिटर कंट्रोल एंड मैनेज द सिचुएशन ऑन डेट अकाउंट। इसलिए गृह मंत्रालय के द्वारा एक समर्पित इकाई इसमें है जो कि इस पे नज़र रखती है, इसे नियंत्रण करती है और इसे पूरी तरीके से ऐसी गतिविधियों को पूरी तरीके से मैनेज करने में सक्षम है। रोल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो खुफिया विभागों की भूमिका है। द रोल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज इज बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, बोथ इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैटर्स। तो जो भूमिका है खुफिया विभागों की, ये दिन ब दिन इनका जो महत्व है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है आज के समय में, जो समकालीन समय है। अगर हम देखें कि आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित संबंधों का प्रबंधन हो या फिर जो बाह्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन हो, दोनों में उनकी इंटेलिजेंस जो सूचना होती है, जो भी वो खुफिया सूचना होती है, वो बहुत ही ज़रूरी होती है। नो डिस्कशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी कैन बी कंप्लीट विदाउट टचिंग अपॉन द रोल एंड स्टेटस ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज। आंतरिक सुरक्षा के ऊपर चर्चा पूरी हो ही नहीं सकती अगर हम खुफिया विभागों के अस्तित्व और उनके भूमिका पर चर्चा ना करें तो। द इंटेलिजेंस ब्यूरो इज द नोडल एजेंसी। तो जो भारत का खुफिया विभाग है वो, द इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, वो मुख्य संस्था या शाखा आप कह सकते हैं, विच लुक्स आफ्टर द इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ एंड सुपरविजन ऑफ द MHA, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर नियंत्रण और निगरानी रखती है। अपार्ट फ्रॉम दिस एरियाज, द MHA ऑपरेट्स इन सम अदर एरियाज एज वेल एज सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेट्रा। इन सब क्षेत्रों के अलावा जो गृह मंत्रालय है वो कुछ और भी क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता है, जैसे कि और भी क्षेत्रों का संचालन करता है, जैसे कि केंद्र और राज्यों के जो संबंध है या फिर जो केंद्र और राज्यों में जो जो अधिकृत या प्रामाणिक भाषा है उसके बारे में।